हंडिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिंडोलनाथ बाबा की पहाड़ी के निकट पिछले 3 महीने से एक बंदर का आतंक जारी है। बताया जाता है कि अभी तक इस उत्पाती बंदर ने बच्चे, महिला, पुरुष सहित आधा दर्जन से भी अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। सभी घायलों को हंडिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया। हंडिया वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाकर बंदर को पकड़ने के प्रयास जारी हैं, लेकिन एक माह बीतने के बावजूद भी लालमुख का बंदर वन विभाग की पकड़ से दूर है, तो वहीं दूसरी तरफ आम नागरिकों में आतंक है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस उत्पाती बंदर को शीघ्र पकड़कर घने जंगलों में छुड़ाने की मांग की है। मैं कुमारी सलोनी कलम में, मैं रास्ते अपने घर से हिंडोलनाथ का मंदिर पे जा रही थी, लालमुख के बंदर ने काट लिया और बंदर का बहुत आतंक है। और मेरा बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है और मैंने मेरा इलाज मेरे घर वालों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हंडिया से करवाया और प्राइवेट। नाम है मेरा, मेरा पति का नाम बीरम जी। हिंडोलनाथ बाबा पे रहती हूँ और मेरा धुना है, बाबा शांत हो गए, बाबा की सेवा पे आए थे हम, पर हम तो अब परेशान, यहाँ कोई नहीं है कि अब क्या करें। हमें लालमुख का बंदर है और वो बहुत ही परेशान कर रहा है, कपड़े लते खाना पीना सब हमारा हराम कर रखा है और काटता भी है। आग में हमने कैमरा लगा रखा पर वो आता नहीं, रखा है पर वो पिंजरे में आता नहीं है, एक महीने से रखा है, हमारे को बहुत परेशान करता है, बच्चों को खाता है, कितने ही बच्चों को खा गया। मैं वन विभाग का चौकीदार हूँ। बंदर आतंक कर रहा है, इसके लिए ये पिंजरा रखा है और पिंजरा बंदर पकड़ने के लिए ये पिंजरा है, लेकिन वो पिंजरे में आ नहीं रहा, कितने 15 रोज हो गए। हंडिया से बलवीर खत्री की रिपोर्ट।